हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम फिजिक्स पढ़ने के लिए जो मूलभूत गणितीय अवधारणा आपको पढ़ा रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। आपको पता है कि हमने इसके इंग्लिश मीडियम में वीडियो डाले थे, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट पर हम मूलभूत गणितीय अवधारणा को लेके एक नया सीरीज चलाए हैं, जिसमें हमको कलन अभी पढ़ रहे हैं अपन, कलन कंटिन्यू। ठीक है, तो कलन मतलब कैलकुलस का आगे का पार्ट मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में यदि आपने देखा है तो किस तरह से हम अवकलन करते हैं ये सब आपको समझाया था, और लास्ट में मैंने आपको फलनों के फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दो तरीके से बताया था, प्रतिस्थापन से और चैन रूल से। और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि चैन रूल से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन मैं लूँ जो फिजिक्स में यूज़फुल हो, क्योंकि हम जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो मैथ्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स हमारा टोटल फोकस ये है कि फिजिक्स में जब इसका ज़रूरत होता है तो हम किस प्रकार से, तो मैं ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ जो आपको 11th और 12th क्लास के फिजिक्स के पढ़ाई के दौरान आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इस पैटर्न का आपको बहुत सा फिजिक्स में करने को आपको मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मैंने बस समझाया था चैन रूल में कि इसको एक्स होना चाहिए, लेकिन ये ए एक्स प्लस बी है, तो इसको हम कुछ देर के लिए सपोज कर लेंगे कि सपोज ये क्या है, एक्स है, मतलब ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है। और आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कास एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी। हम भले ही इसको एक्स सपोज करते हैं, लेकिन लिखते वही हैं जो रियल में वहाँ पर होता है, ये मैंने आपको समझाया था। इसके बाद चैन रूल क्या कहता है कि इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इस तरह से होगा। दैट इक्वल, आगे हम इसको और डिफ्रेंशिएट करें तो कास ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ ध्यान देना ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन होता है, और बी एक नियतांक है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ए, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए कास ए एक्स प्लस बी। इसको आप चाहें तो सूत्र के रूप में भी याद करके रख सकते हैं, क्लियर, इसको आप सूत्र रूप में भी याद करके रख सकते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होता है ए इंटू कास ए एक्स प्लस बी। इसी तरह से जब आपको समाकलन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी बताऊंगा, समाकलन का दुगुना यूज होता है फिजिक्स में, अवकलन से दोगुना यूज समाकलन का होता है, लेकिन अवकलन समझ में आएगा तभी आपको समाकलन समझ में आएगा। तो इस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल, इस पर मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको कि जैसे फिजिक्स में कई जगह इस तरह का कंडीशन आएगा। देखो, कहीं पर ऐसा आएगा डी बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, साइन ए ओमेगा ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सपोज इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ये फिजिक्स में आएगा इस तरह का, मैं फिजिक्स का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दैट इक्वल, आपको सीधा पता रहेगा कि यहाँ टी का टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका गुणांक है क्या, ओमेगा, जैसे यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, ए, जो सामने आके मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ध्यान देना, मैं डिफ्रेंशिएशन सिखाने के साथ साथ ये कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स में जहाँ ज़रूरत पड़े वो मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि मेरा जो टोटल फोकस है वो बायो के स्टूडेंट्स के लिए होता है कैलकुलस पढ़ाते समय, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट तो उसको कर ही लेते हैं, तो मेरे ध्यान में पूरे बायो के स्टूडेंट्स रहते हैं जो नीट का प्रिपरेशन करेंगे, ये स्टूडेंट रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको इस तरह से मैं कैलकुलस पढ़ा सकूँ कि फिजिक्स में उनको कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए उसको मैं फिजिक्स के अंदाज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, सामने ए आ गया, तो वैसे टी का जो गुणांक है ओमेगा वो सामने आ जाएगा, और साइन है तो कास हो जाएगा, कास ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पूरा रहेगा, जैसे यहाँ पर कास ए एक्स प्लस बी ऐसा रहेगा, और ये तो जीरो हो गया इसका, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। इस तरह से फिजिक्स में कई जगह आपको
काम आएगा। एक जगह इस तरह से आएगा, इसी फॉर्म में, साइन 2πt प्लस फाई सपोज, इस तरह का। और इसको आपको डी बाई डी टी करना रहेगा इस तरह से। ये कई जगह फिजिक्स में आएगा, तो आप सीधा साइन को लिख दोगे कास, और ये 2πt प्लस फाई वही रहेगा। और यहाँ पर t का गुणांक है कितना, 2π, माने आपको 2π t के गुणांक को देखना है या x के गुणांक को देखना है, तो 2π का सामने यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका अवकलन। तो इस तरह के बहुत से स्टेप, इस तरह के बहुत से स्टेप क्या होते हैं फिजिक्स में, जरूरत होते हैं अपने को, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन की सहायता से हम ऐसा करते हैं। जैसे मान लो 11th क्लास में अपन वेग निकाल रहे हैं, तो वेग आपको पता है वेग इक्वल टू होता है ds अपन dt, ये होता है, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन का समय के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। अब आपको मान लो s को किसी रूप में दिया हुआ है, जैसे s इक्वल टू मान लो दे दिया 2t² प्लस टी प्लस 5, ये दिया हुआ है, और आपको वेग निकालने की बात कर रहा है। तो जब वहाँ पर वेग निकालोगे v बराबर, जब उसका वेग निकालोगे तो d बाई डी टी आप s का वैल्यू को पुट करोगे 2t² प्लस टी प्लस 5 इस तरह से। अब इसका अवकलन होगा d बाई डी टी आप 2t² प्लस d बाई डी टी आप टी प्लस d बाई डी टी आप 5 इस तरह से होगा। दैट इक्वल, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, अब आपको सब आता है, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 और एक कांस्टेंट है तो इसका 0, इस प्रकार से हो जाएगा ये 4t + 1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप वेग निकाल लोगे, इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पर किस तरह से फलनों के फलन का हम अवकलन करते हैं। इसी प्रकार से यदि साइन के जगह में कास हो जाए, यहाँ साइन की जगह कास हो जाए तो माइनस साइन हो जाएगा, बाकी आपको पता है उसी तरह से होता है, ठीक है। या मैं करके आपको बता दूँ एक बार, देखो यहाँ पर मान लो इसको मैं आपको बताता हूँ कास के लिए, यही क्वेश्चन मान लो कास के लिए हो जाए तो किस तरह से होगा। देखो ये है कास ए एक्स प्लस बी, तब क्या हो जाएगा, कास का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, दैट इक्वल, ये ए बस बचेगा, बाकी ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो उसको मैं सामने लिख दिया माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी इस प्रकार से, क्योंकि कास का अवकलन माइनस साइन होता है, ये अवकलन हो जाएगा। तो ये अवकलन को आपको ध्यान में रखना है। तो जो प्रतिस्थापन है फलनों के फलन का, जो डिफरेंशिएशन है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब मैं चाहता हूँ आज का स्पेशल क्लास आपके लिए सिर्फ मैंने इसलिए अलग से रखा कि आज मैं कुछ ऐसे एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ जो सीधा फिजिक्स, अभी तक मैंने सिर्फ आपको अवकलन करना सिखाया, अब आपको बताऊँगा कि फिजिक्स में वो किस तरह से यूज़ होगा, क्लियर। तो चलिए फिजिक्स के रिलेटेड जो इसके क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए सबसे पहली बात, उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने अवकलन सीखा, अवकलन हमने जो समझा, उसको फिजिक्स में हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो पूरे फिजिक्स की पढ़ाई के दौरान आपको कहीं पर भी अवकलन का ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा, या आप वीडियो जो देख रहे होंगे, बहुत से वीडियो आप देख रहे हैं, वहाँ पर आपको पता चलता होगा। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, देखिए मेरे बोर्ड में ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप पढ़िए और मैं रीड करके भी आपको बता रहा हूँ। एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखो देखिए क्वेश्चन बोर्ड में डिस्प्ले हो रहे हैं, आप बोर्ड से क्वेश्चन को पढ़िए, आप बोर्ड से पढ़िए और मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एप्लीकेशन है, उपयोग है, कि अवकलन का हम फिजिक्स में किस तरह से उपयोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप रीड करिए। एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा का एक बुलबुला है, ये सपोज कर लो एक हवा का बुलबुला है, इसकी त्रिज्या हमने r मान लिया, और क्वेश्चन में क्या बोला है, हवा के त्रिज्या की बढ़ने की दर, तो दर किसके सापेक्ष निकालेंगे अपन, समय के सापेक्ष। तो त्रिज्या r है तो हो गया dr, और समय के सापेक्ष तो dt। यही बात आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है, तो dr/dt दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड,
मतलब हर सेकंड में 1.2 सेंटीमीटर वो बढ़ जा रहा है, ये इसका मतलब हुआ, जिसको हम कैलकुलस के लैंग्वेज में डी आर बाई डी टी लिखेंगे। यही समझाने के लिए मैं आपको ये बताया कि फिजिक्स में कैसे उपयोग करते हैं। अगले लाइन में क्या बोलता है, जब गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जब गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, मतलब जब उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर रहे तो उस समय उसका आयतन मतलब डी वी बटे डी टी किस दर से बढ़ रहा है, ये हमको निकालना है, आयतन के बढ़ने का दर निकालना है। तो ये आपको क्या क्या दिया है पता होना चाहिए। अब उसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखो सबसे पहले चूंकि हमको आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, इसलिए गोले का आयतन हम जानते हैं वी इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसलिए डी टी के सापेक्ष, सॉरी ना, तो डी वी बाई डी टी, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है अपने को, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका अवकलन करें तो ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और अवकलन होगा डी बाई डी टी ऑफ आर टू दी पावर 3। अब देखो यहाँ पर चैन रूल कैसे लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना। ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, अब इस आर को हम मान लेंगे टी, कि मान लो ये टी है, चैन रूल, तो टी के घात 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, 3t² तो हो जाएगा 3 और टी नहीं लिखेंगे, इसको आर लिखेंगे, आर स्क्वायर और इंटू, चूँकि इसको हमने टी माना था तो उसका दोबारा अवकलन होगा, तो इसको हम लिखेंगे डी आर बटे डी टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से समझना। आर का दोबारा क्यों हुआ, क्योंकि आर टी नहीं था, चैन रूल लगाया, ये हो जाएगा। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो दैट इक्वल ये हो जाएगा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी। अब क्वेश्चन में देखो आर का मान 1 दिया हुआ है और डी आर बाई डी टी का मान, ये दोनों डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये दोनों मान को वहाँ पर भर देंगे, तो इसलिए डी वी बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 4π इंटू पाई और जो आर का मान है कितना है, 1 है, तो यह हो जाएगा 1² और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 1/2, क्लियर। तो ये 2 के साथ किस 4 के साथ कैंसिल हो गया, हो जाएगा 2π, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, 2π के दर से उसका आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये फिजिक्स में उसका उपयोग है, इस तरह से हम फिजिक्स में कैलकुलस को यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो बहुत काम आता है, वेग निकालने में, त्वरण निकालने में, सब निकालने में, जितना भी न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशन है, सब में काम आता है। आप तो उसकी वीडियो देख चुके हैं, मैं तो गणितीय अवधारणाओं को इंग्लिश में बना चुका था पहले, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है करके मैं उसको दोबारा प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी और कॉम्पिटिटिव में काम में आएगा, खासकर बायो के स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड में, आप बोर्ड से देखिए क्वेश्चन को, और लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम आयतन की बात किए थे, वहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का कथन आप पढ़िए बोर्ड से। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखो यहाँ पर वृत्त है, वहाँ पर गोला था, यहाँ पर वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर है, तो आर डी आर बटे डी टी का जो मान दिया हुआ है, डी आर बटे डी टी, वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आर इक्वल टू जब 10 सेंटीमीटर हो, तो उस टाइम में हमको क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब डी ए बटे डी टी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन उसी तरह का है पूरा, बस वहाँ आयतन की बात थी, यहाँ पर किसका, क्षेत्रफल। तो देखो चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल, अब हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, अब टी के सापेक्ष इसको अवकलन कर दो, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट इक्वल पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, r का दोबारा होगा तो डी आर बटे डी टी, क्लियर। अब मान को अपन भर देते हैं, इसलिए डी ए बटे डी टी इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 2 और r का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 और इंटू डी आर बटे डी टी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो कितना हो जाएगा ये 60π, ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये है एक क्वेश्चन जिसकी सहायता से आप
क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, उस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तीन प्रश्न से आपको इस प्रकार की प्रैक्टिस हो जाएगी समाकलन। प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कहता है वक्र y बराबर 3x² - 7x + 5। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। y इक्वल टू 3x² - 7x + 5। ये एक वक्र है, वक्र का समीकरण होता है। ये वक्र है के बिंदु एक एक पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक पॉइंट है, एक जो बिंदु है उसका निर्देशांक है 1, 1। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाता है, मतलब इस तरह का कंडीशन है ये ऐसा, ठीक है। तो y इक्वल टू इतना जो कर्व है वो इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है, इस तरह से इसको खींचा गया है, तो कितना कोण बनाता है, मतलब ये हमको थीटा कोण बनाना है। एक अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ में कितना कोण बनाया हुआ है, ये एक अक्ष की धनात्मक दिशा है, इसके साथ बनाया हुआ कोण हमको ज्ञात करना है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण होता है, ये मैं पहले बता दूँ, इस क्वेश्चन को बताने के पहले, वो वाई इक्वल टू mx + c होता है। ये सरल रेखा का समीकरण है जहाँ पर ये जो c है वो x अक्ष में काटा गया अंतःखंड है। ये ज्योमेट्री आपको, जब ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ाऊंगा ये बात बताऊंगा आपको। और m यहाँ पर इसकी प्रवणता होता है, m को हम बोलते हैं प्रवणता। और ये जो m प्रवणता है वह m dy/dx या tan थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखना। मतलब m जो प्रवणता है वो dy/dx होता है या वो tan थीटा के बराबर होता है। दोनों दो वैल्यू होते हैं इसके, कोण के रूप में, जैसे यहाँ पर कोण दिया है तो tan थीटा के रूप में होता है, और अवकलन के रूप में dy/dx के रूप में होता है। तो ये आपको ये फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा ज्यामिति से। अब चूंकि हमको पता है कि ये वक्र का समीकरण है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y इक्वल टू 3x² - 7x + 5। अब यहाँ पर देखो प्रवणता क्या होता है, dy/dx होता है, तो इसको क्या करेंगे अपन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx इक्वल d/dx ऑफ 3x² - 7x + 5। अब सबका अलग अलग अवकलन होगा, ये अवकलन तो आप पढ़ चुके हो, तो दैट इक्वल ये हो जाएगा d/dx ऑफ 3x² - d/dx ऑफ 7x + d/dx ऑफ 5। ये हो जाएगा therefore dy/dx इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखो 3x² का अवकलन होगा, तो 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और x² का अवकलन हो जाएगा 2x। ये सब प्रैक्टिस मैं आपको करा चुका हूँ ना। और 7x में x कवर हो जाएगा और बच जाएगा क्या, -7। 5 तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। आगे इसको हम सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 6x - 7। ये हो गया। अब हमको क्या पूछा प्रश्न में, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, और मैंने अभी आपको फार्मूला में बताया कि ये जो dy/dx होता है, ये जो dy/dx होता है वह ज्यामिति से tan थीटा के बराबर होता है, जिसको हम प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। तो अब dy/dx को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो चूंकि हमको पता है dy/dx, या सीधा ऐसा लिख सकते हैं अपन, चूंकि हमको पता है क्या, tan थीटा इक्वल टू होता है dy/dx, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इक्वल dy/dx का वैल्यू ये है, ये हो गया 6x - 7। और दैट इक्वल, यह क्वेश्चन में देखो बिंदु दिया है 1, 1, तो ये x का मान है, ये y का मान है, तो x का मान कितना हो गया 1। तो x के वैल्यू को यहाँ पर अपन पुट कर देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्यामिति का। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 6 × 1 - 7, दैट इक्वल टू -1, tan थीटा बराबर। अब हम देखेंगे कि tan के कितने कोण के लिए, tan के किस मान के लिए इसका वैल्यू -1 होता है। तो त्रिकोणमिति के चार्ट से आपको पता होना चाहिए कि जब थीटा का मान 135 अंश हो तो उसका मान माइनस होता है। 45 के लिए 1 होता है, 45 के लिए, और 90 उसमें प्लस कर दो तो ऋणात्मक हो जाता है, मतलब 135 होता है। ये कोण आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसका आंसर होगा। मतलब x अक्ष के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है, वो 135 अंश का कोण बना रहा है। तो इस तरह से इसके फिजिक्स में यूज़ होते हैं।
और बहुत से एप्लीकेशन आपको फिजिक्स पढ़ने के दौरान मिलेगा और वहाँ पर आपसे हो जाना चाहिए। जितना मैंने आपको फार्मूला बताया, जितना मैंने आपको अवकलन करने का प्रोसेस बताया, उसको आप अच्छे से रिवाइज करके रखिए तो फिजिक्स में आपको काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है समाकलन। तो आज के क्लास में मैं समाकलन आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये छोटा सा वीडियो मैं बताया क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन इसके बनाने थे। अब मैं समाकलन एक सेपरेट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आपको समाकलन का मिलेगा, और उसके पहले, उस वीडियो के आपके मिलने से पहले मैंने पहले दिन आपको अवकलन और समाकलन का जो चार्ट दिया था उसके राइट साइड के चार्ट में समाकलन का सब सूत्र का कलेक्शन था। तो वीडियो देखने से पहले, वीडियो आने से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाकलन के पूरे फार्मूला को उस वीडियो से रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज फिर समाकलन के एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत स्पेशल वीडियो होगा जो समाकलन पर होगा, उसमें निश्चित समाकलन मैं पढ़ाऊंगा, और निश्चित समाकलन ही 100% फिजिक्स में यूज होता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो बी रेडी, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन तैयार कैसे होंगे? समाकलन के सूत्र को लर्न करके। तो बहुत जल्दी फिर मैं आपको समाकलन का वो टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप पहले फार्मूला याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।